जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये रेफी रखी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजोन से ह्यूज बैग कलेक्शन प्लस ज्वेलरी हॉल। आज से अमेजोन पे सेल स्टार्ट हो गई है, 2 मई से सेल स्टार्ट है एंड ये है फैशन एंड ब्यूटी अमेजोन सेल। इसमें आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पे सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, बहुत बड़ी सेल है और अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो ना इस सेल में बाय करो, काफी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। तो सभी जो बैग के लिंक है और ज्वेलरी के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लस एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माई होल स्टोर के नाम से, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट बैग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ब्यूटीफुल सा, आज के कलेक्शन में से मेरा ये फेवरेट बैग है। इसे मैं काफी टाइम से लेने का सोच रही थी, इसका जो डिजाइन वगैरह ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप वैकेशन पे जा रहे हो, अगर आप डिनर पे जा रहे हो तो उसके साथ अगर आप इसे स्टाइल करते हो वेस्टर्न आउटफिट के साथ, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है ये आपके आउटफिट्स को। थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, प्राइसी है, लेकिन अगर आप इस ब्रांड के अगर बैग देखोगे और डिजाइन देखोगे वो आपको थोड़े से प्राइसी मिलेंगे, लेकिन अभी सेल में आपको काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। मे बी है ना शायद ये 2 और 3 ही अवेलेबल थे मैंने परचेस किया जब, और ये मुझे आज ही मिला है। तो अगर आप अभी लेना चाहते हो अवेलेबल है तो जल्दी से आप इस बैग को चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत प्यारा इस तरीके का ब्लैक कलर का बैग है, ये कोई भी लेदर फैब्रिक इसमें यूज नहीं किया हुआ है, ये जो है ना डेनिम फैब्रिक है, जैसा जीन्स वगैरह का आता है ना वैसा फैब्रिक है। सिंगल कंपार्टमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाता है और अंदर है ना ओनली एक कॉइन के लिए जिप्टी हुई है, ऐसा नहीं है काफी बड़ा है, आप बहुत सारा कुछ कैरी कर सकते हो। जस्ट है ना ये आपकी ड्रेस को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा, उस अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छा लगा। इस तरीके का आपको इसमें साइज देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप अपना मेकअप वगैरह मोबाइल वगैरह इजीली कैरी कर सकते हो। काफी सारे कंपार्टमेंट मतलब इसमें नहीं है, अगर आपको बहुत सारा कुछ कैरी करना है उस अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। जिप वगैरह की क्वालिटी, बैग की क्वालिटी सुपर्ब है, प्लस आप यहाँ पे सबसे मेन पार्ट जो इस बैग का है ना वो यहाँ पे आप गोल्डन कलर का इस तरीके का ये डिजाइन दिया हुआ है जो कि शाइन करता है और कभी भी ये बैग खराब नहीं होगा, उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड मैं इस बैग को आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। प्राइस के अकॉर्डिंग भी मुझे काफी सही लग रहा है जब मेरे हाथ में आया है एंड डिजाइन वगैरह सुपर्ब है, वेस्टर्न वेयर के ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये है जो फर्स्ट बैग आज के हॉल में मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में ब्राइडल क्लच लेना चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा क्लासी भी है एंड काफी अच्छा लगेगा, ब्राइड्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। अगर आपको साड़ियों पे कैरी करने के लिए चाहिए तो उस अकॉर्डिंग आप इस क्लच को रिकमेंड कर सकते हैं, प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। मे बी कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल थे, मैंने कॉपर शेड लिया है क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा है, गोल्डन और सिल्वर दोनों के साथ बहुत अच्छे से जाता है, बहुत क्लासी भी लगता है। इस तरीके का आपको ना इसमें हैंडल देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी अच्छी है काफी, यहाँ से आपको इस तरीके से इसे ओपन करना है, एक सेकेंड, इस तरीके से ओपन होगा आपको काफी अच्छे कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, 3 कंपार्टमेंट है, बीच में आपको यहाँ पे आप देखोगे ना जिप दी हुई है। तो इस तरीके का ये बैग है, ऊपर से है ना इसका जो इसमें जो ग्लिटर लगाया हुआ है ना वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात है ये ट्रांसफर नहीं होता है बिल्कुल भी, ग्लिटर एज इट इज रहेगा, शाइन वगैरह बहुत अच्छी है। पार्टीज में अगर आपको कैरी करने के लिए चाहिए, वेडिंग्स में कैरी करने के लिए चाहिए, या फिर आपकी खुद की भी शादी है और उस अकॉर्डिंग कोई ब्राइडल क्लच लेना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये, प्लस क्वालिटी वगैरह सुपर्ब है इसकी। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्लच है फ्रॉम दी ब्रांड लीनो पेरिस। इस ब्रांड के मैंने ना हैंडबैग्स भी क्लच भी पहले ट्राई किए हुए हैं, बहुत अच्छे आते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो अब की बार है ना मैंने कुछ इस तरीके का ये वाला क्लच लिया है क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ना कुछ इस तरीके का चाहिए होता है, तो अगर आपकी खुद की भी शादी है तो आप इस तरीके के क्लच में इन्वेस्ट कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में है। नेक्स्ट अगर आपको है ना कोई वेडिंग्स वगैरह के लिए चाहिए तो इस तरीके के काफी क्लासी लगते हैं हमेशा, मतलब वैसे मेरे पास ना इस तरीके का कुछ भी नहीं था, हमेशा वैसे वाले थे जैसे नॉर्मल गर्ल्स वगैरह लेती है वैसे सिंपल सुपर, लेकिन अब की बार मैंने कुछ सोचा कि कुछ शाइनी ट्राई करते हैं जिन्हें हम पार्टीज में वेडिंग्स में कैरी कर सके, तो मुझे काफी अच्छा ऑप्शन लग रहा था। एंड ये कुछ इस तरीके का है ना काइंड ऑफ ना गोल्डन एंड बेज कलर के कॉम्बिनेशन में है, इस तरीके का क्लच है, सिंगल कंपार्टमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, कोई चैन वगैरह अंदर नहीं है, तो वैसे काफी कुछ आराम से आ जाएगा क्योंकि है ना इसकी लंबाई काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको ना ब्रांड का नेम मिल जाएगा लीनो पेरिस करके, और ये इस तरीके का कुछ है ना शाइनिंग वाला इसमें पैटर्न दिया हुआ है, साथ में ना आपको इसमें चैन देखने को मिल जाती है। अगर आपको है ना क्लच की तरह इसे कैरी नहीं करना है तो एज ए स्लिंग भी आप कैरी कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट में
आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये वाला हैंडबैग आपने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा, मेरे पास ऑलरेडी है। पर इसमें मैंने ना जो कलर पहले लिया था वो ग्रे कलर था, एंड उसको लिए हुए शायद है ना मुझे 8 साल तो हो गया है, शायद 8-9 महीने हो गए हैं उसे लिए हुए। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी निकली है तो, और सबसे अच्छी बात है प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, तो मैंने सोचा यार एक और लेती हूँ, वो मैंने ग्रे कलर लिया, मैंने ब्लैक कलर और ले लिया। अगर आपको ना ऐसा हैंडबैग चाहिए जिसमें काफी सारे कंपार्टमेंट हो, आप बहुत सारा कुछ कैरी कर सको, काफी सारा अपना सामान कैरी कर सको, इवन आपकी ड्रेस भी आ जाए, तो आप है ना ये वाला बैग ट्राई कर सकते हो। इसकी क्वालिटी सुपर्ब है, डिजाइन बहुत अच्छा है, सिंपल सोबर है। इसका जो फैब्रिक है ना लेदर फैब्रिक है, यहाँ पे आपको ब्रांड का नेम मिल जाएगा, टैग लगा हुआ है। अंदर आपको है ना इसमें इस तरीके के कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, 3 कंपार्टमेंट है, काफी बड़े हैं, सॉरी 4 मिल जाएंगे, एक वो जिप भी है जो चेन कॉइन वाली है, तो इसमें आपको 4 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। इसमें ना बहुत सारा कुछ कैरी कर सकते हो, प्लस इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, जब आप ना इसे कैरी करते हो बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है ये वाला, प्लस जिप वगैरह की क्वालिटी सुपर्ब है, बैग की क्वालिटी सुपर्ब है। इसका जो फैब्रिक है ना लेदर होने के बाद भी ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटी का है, तो काफी सारा आप इसमें कैरी करो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोई बैग ढूंढ रहे हो जिसमें आप इतना सारा कुछ कैरी कर सको, अगर आप ट्रैवल में कैरी करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस बैग को ट्राई करना। कलर ऑप्शन इसमें काफी सारे हैं और पीछे भी एक आपको इस तरीके का कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। बहुत प्यारा बैग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और रीजनेबल प्राइस में है, तो ये है जो नेक्स्ट मैंने लिया है। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने लिया, ये वाला बैग तो मैं काफी टाइम से लेना चाहती थी, मतलब अगर इस तरीके के बैग मेरे काफी ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, अगर आप है ना कॉलेज गोइंग गर्ल्स वगैरह हैं, या अगर आप मतलब कहीं बाहर ऑफिस जाते हो तो इस तरीके का बैग आप कैरी करो, बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है। और इसका जो फैब्रिक है ना वो भी लेदर फैब्रिक है, यहाँ पे ना आपको इसमें इस तरीके का कीचेन टाइप भी मिल जाएगा लव वाला, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। इस तरीके के हैंडल्स हैं और अंदर आपको है ना एक सिंगल कंपार्टमेंट इसमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद इसमें अंदर एक और कंपार्टमेंट है, और साइड में ना कॉइन वाली जो है जिप दी हुई है, तो ये भी है ना काफी बड़ा बैग है, बहुत बड़ा बैग है। इसमें भी आप काफी सारा कुछ सामान अपना कैरी कर सकते हो, और अगर आपको डेली पर्पज से भी चाहिए तो ये बहुत अच्छा बैग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड स्टाइल करने के बाद भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। इसमें पीछे भी आपको देख रहे हो ना एक कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको सामान कैरी वैरी करने के लिए चाहिए, थोड़ा लुक भी थोड़ा क्लासी सा आए, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, डेली पर्पज से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने लिया है। तो ये तो हो गई बैग की बात, ये तो मैंने कुछ बैग लिए हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइस में अभी मिल रहे हैं और काफी अच्छी इनकी क्वालिटी है, प्लस मैंने ना कुछ बैंगल्स भी लिए हैं। तो मैं बैंगल्स के लिए ना जब मैं देख रही थी तो मैंने एक ही ब्रांड को ट्राई किया, वो है रत्नावली ज्वेलर्स। मैंने ना 3 बैंगल्स इसमें लिए हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। रत्नावली के जो बैंगल्स है या फिर कुछ भी आप ले लो, रिंग वगैरह या फिर ज्वेलरी ट्राई करते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। तो फर्स्ट बैंगल जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है ये वाली, बहुत ही प्यारे बैंगल्स हैं। अगर आपको हाथ में कुछ नहीं पहनना है, इवन आपको है ना कोई चूड़ियां स्टाइल नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, और ऐसा हो आपके मोस्टली आउटफिट के साथ आप इन्हें कैरी कर सको, एथनिक वेयर के साथ, लहंगे के साथ में, साड़ियों के साथ में, पार्टीज में, वेडिंग्स में, तो आप ये वाले बैंगल्स ट्राई कर सकते हो। मैं साइड में आपको ना क्लोज लुक दे दूंगी बैंगल्स का, बहुत प्यारे बैंगल्स हैं ये वाले, पूरा है ना इसमें आपको इस तरीके का जो है जर्कन का काम देखने को मिल जाएगा, बहुत प्यारे इसमें स्टोन लगाए हुए हैं, क्वालिटी सुपर्ब है। या वो गोल्डन कलर के बैंगल्स इस तरीके के देखने को मिलते हैं, इस तरीके गोल्ड प्लेटेड कड़े हैं, आपको साइड में कुछ लगाने की नीड नहीं है, सिंगल सिंगल आपको इन्हें कैरी करना है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जस्ट आपको ये कैरी करना है और आपका काम हो गया। बहुत प्यारा लुक है इनका, साइड में मैं आपको क्लोज लुक देने का ट्राई करूंगी जिससे आपको इनकी ब्यूटी क्लियर हो जाए, बहुत प्यारा है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ये अमेरिकन डायमंड इसमें यूज किए हुए हैं, क्वालिटी सुपर्ब है, डिजाइन बहुत अच्छा है। साइज है जो मेरा इसमें है 2-6, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। तो ये है जो फर्स्ट बैंगल्स मैंने लिए हैं, ये वाले मैंने गोल्डन में लिए थे, गोल्ड प्लेटेड, और 2 मैंने ना सिल्वर प्लेटेड लिया है, क्योंकि सिल्वर भी है ना बहुत ज्यादा काम में आते हैं। ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आते हैं, एंड सबसे फर्स्ट वाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिल्वर में, ये इस तरीके के हैं, ये अमेरिकन डायमंड में आपको इस तरीके के सिल्वर प्लेटेड 2 कड़े देखने को मिल जाएंगे, 2 बैंगल्स हैं,
बिल्कुल पतले पतले हैं। जैसे मुझे ज्यादा बैंगल्स पहनना पसंद है नहीं, मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मैं एक हाथ में वॉच एक हाथ में ब्रेसलेट जस्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, आप पार्टीज में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो वहां तो आपको बैंगल्स पहनने ही पड़ेंगे, या फिर अगर आपको साइड में चूड़ियां लगानी है मल्टी कलर, तो आप इस तरीके के बैंगल्स है ना बीच में ट्राई कर सकते हो। क्वालिटी सुपर्ब है इनकी, अमेरिकन डायमंड इनमें यूज किए हुए हैं, इनकी जो शाइन है वो बहुत अच्छी आती है रत्नावली की, तो बहुत प्यारे लगते हैं पहनने के बाद। सिल्वर प्लेटेड है एंड इसमें भी जो मेरा साइज है वो है 2/6, तो एक ये मैंने लिए हैं। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट लिए है ना, वो देखने में है ना मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब ठीक लग रहे थे जब भी मैंने ऑर्डर किए, लेकिन जब मुझे मिले, लुक एट दिस ब्यूटी, बहुत प्यारे इस तरीके सिल्वर प्लेटेड ये, और इसमें भी अमेरिकन डायमंड लगवाए हुए हैं, लेकिन काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। साइड में ना मैं आपको ना इसका लुक दूंगी, तब आपको पूरा क्लियर होगा, ऐसे आपको इसकी ब्यूटी क्लियर नहीं होगी। इसमें भी जो मेरा साइज है वो है 2/6, इसमें भी आप ना साइड में आप बैंगल्स लगा के इन्हें कैरी कर सकते हो, या फिर अगर आप सिंगल सिंगल भी कैरी करना चाहते हो ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है, मुझे तो सिंगल ही ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके के बैंगल्स लिए हैं, साइज इसमें भी मेरा 2/6 है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। ये दोनों वाले बैंगल्स है ना, ये दोनों जो है सिल्वर वाले, ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो गाइस ये था आज का मेरा कंप्लीट अमेजोन हॉल, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अमेजोन पर भी काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, काफी अच्छी सेल है जो आज से ही स्टार्ट हुई है, तो अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली आप जल्दी जल्दी ग्रैब करो, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है सेल में एंड फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो मेक श्योर अगर आप लेना चाहते हो तो अभी आप परचेज कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं हो। प्लस और अमेजॉन से देखना चाहते हो इस सेल में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।